पन्ना जिले में अधिकारियों की गुंडागर्दी से आम जनता परेशान है। ये अधिकारी अपने पद का गलत फायदा उठाकर भोले भाले लोगों के खून पसीने की कमाई को हड़प करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। कुछ ऐसी शिकायत करते हुए पन्ना के डिप्टी रेंजर पर ग्रामीणों ने आरोप लगाए हैं। मामला पन्ना के ग्राम अमानगंज रेंज के गिधनपटा कचनारी गांव का है, जहां शासकीय भूमि पर अस्थायी रूप से झोपड़ी बनाकर रह रहे लोगों ने तहसीलदार से शिकायत की है। उन्होंने बताया कि वह पशुओं की देखभाल कर दूध बेचकर अपना व अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। वन विभाग द्वारा बिना किसी सूचना के उनकी झोपड़ी भरी बरसात में तोड़ दी गई। साथ ही एक युवक को झूठे नील गाय के शिकार में फंसाने की बात भी सामने आई है। घटना के बाद विपक्ष ने ग्रामीणों को साथ मिलकर हंगामा किया और तहसीलदार अमानगंज को एक लिखित शिकायती आवेदन पत्र देकर जमीन का सीमांकन कराने और डिप्टी रेंजर पर कार्रवाई की मांग की। ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया है कि वन विभाग के अधिकारी डिप्टी रेंजर प्रजापति द्वारा उनसे 50,000 रुपए की मांग की गई थी, जिसको पूरा नहीं किया गया, तो पीड़ित पर नीलगाय के शिकार का झूठा आरोप लगाकर मामला दर्ज किया गया है। शिकार किया। अच्छा। कैसा की मामला बनाए? हाँ, कौन? प्रजापति डिप्टी रेंजर जी। जंगल नहीं जा रहे थे, किसानी करवे जा रहे थे, हर चल रहे अपने। अच्छा। कचनारी पे वहाँ पे जा रहे थे हर जोत में, रस्ते से बैठा के वैसे जिप्सी में बिठार के दो तीन थापड़े दिए और बिठार के ले गया। धमकी भी दे रहे, पैसा की भी मांग कहते हैं 30 रुपए दे, 50,000 रुपए जब किसानी करें देंगे ना। तो गदनपटा कचनारी जंगली क्षेत्र है, जहाँ वन विभाग की सीमा लगी हुई है, जिस भूमि पर लोग अस्थायी रूप से झोपड़ी बनाकर पशुओं की देखरेख करते हैं। बेरोजगारी के चलते कई वर्षों से यहां ग्रामीणों द्वारा बरसात के दिनों में अपने दुधारू पशुओं को लेकर अस्थायी रूप से 2-3 माह के लिए झोपड़ी बना ली जाती है और ये लोग उनका दूध घी बेचकर अपना भरण पोषण करते हैं। जिस भूमि पर ये लोग अस्थायी रूप से झोपड़ी बनाकर रहते हैं, उसका सीमांकन नहीं हुआ है। पूर्व में राजस्व विभाग द्वारा उक्त जमीन पर काबिज लोगों पर जुर्माना अर्थदंड के रूप में लगाया गया था, जिसकी राशि ग्रामीणों ने जमा कर दी थी। टूटी सी खटोली मेरा देवर ले जाता तो बच्ची थी मेरे साथ, तो ये बच्ची ने बोला कि चाचा बच्ची मेरे को दे दे ये खटोली, इसकी वजन लगी तो बच्ची की खटोली इसमें चाचा ने ले ले। तो ये बहुत परेशान करता है, गेल घाट में बोलता है कि लुगाई जहाँ मिलेगी जहाँ छेप के मारूंगी जहाँ कर। चाचा से खटोली छोड़ा के और इसने डिप्टी ने धरी और जिप्सी पे और ले गया, झूठा केस लगा दिया कि नील गाल मारी है और शिकार का केस लगा दिया। और हम गरीब आदमी है, रोटी लेने जा रहा था, मैं भैंस में आती सर, वहाँ मेरे पास खाना पीना नहीं है, बच्चे रोते पहुँची मेरे पास, तो बच्चे ने बोला मेरे से मम्मी चाचा को पकड़ ले। जब मैं थाने आई तो मेरे को ने यहाँ को किसी ने नहीं सुनी, मैं लौट के गई घर। फिर आप लोग अगर साफ दिया करो ना, फिर सब जंगने ले आएंगे। 30,000 रुपया मंगा सर, मेरे एक खाने के लिए मेरे झोपड़ी नहीं है, पीने के लिए लोटा नहीं है, मैं क्या से इसको 50,000 दे डिप्टी। वही इस पूरे मामले में तहसीलदार अमानगंज का कहना है कि ग्रामीणों के द्वारा जमीन का सीमांकन करवाने और डिप्टी रेंजर के खिलाफ लिखित शिकायती आवेदन पत्र दिया गया है, साथ ही मामले में जल्द कार्रवाई की बात कही जा रही है। किसान मोर्चा के पदाधिकारियों द्वारा जो ज्ञापन दिया है, इस ज्ञापन पर कार्रवाई के लिए मैं कलेक्टर महोदय को आज ही भेज दूंगा और साथ में इसकी मौके की जाँच करवाऊंगा संयुक्त रूप से और वन विभाग और पटवारी राजस्व शिक्षक के माध्यम से। जो जांच प्रतिवेदन आएगा, यदि वो राजस्व विभाग की जमीन होगी तो मैं जो है प्रस्ताव बना के कलेक्टर महोदय की ओर आबादी घोषित करने के लिए भेजूंगा। न्यूज़ बीके के लिए पन्ना से इदरीस मोहम्मद की रिपोर्ट।